कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चल के। हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक। तो गाइज, आज मैं मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट करी, फुल डे का रूटीन आपको दिखाऊंगी। और हम आज तो यार मेरा सपना ही टूट गया, मैं वो भी बताऊंगी कि मेरा क्या हुआ ऐसा। चलो तो फिर देखना लास्ट तक वीडियो और बने रहना वीडियो में। तो मैं सुबह सुबह आपसे मिल रही हूँ, सुबह के बजे हुए हैं 6:45 AM हो रहे हैं। तो टुकू को ये फ्रेशन अप नहला धुला रहे हैं और उसको ब्रश वगैरह करा रहे हैं। तो मैंने नहा लिया है, पूछा वगैरह, मॉपिंग सब कुछ हो गया है और मोक्षा भी सोई हुई है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम कर ली। तो कल टुकू की डिमांड थी कि लंच में उसको पास्ता ले जाना है, तो मैं भी ये टमाटो जो ग्रेट कर रही थी वो उसको ना टमाटो के छिलके पसंद नहीं है, और मैं उसको मिक्सर में नहीं कर रही क्योंकि उससे आवाज़ होगी तो मोक्षा उठ जाएगी। तो यहाँ गर्मा गर्म पास्ता रेडी हो गया है। ये मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। टुकू को मैगी मसाला बहुत पसंद है, पता नहीं बच्चों को मैगी क्यों पसंद होती है। तो मैगी तो अवॉइड करती हूँ, बट मसाला जो अलग से शैशे आते हैं वो उसको मैंने डाल दिया ताकि अच्छे से उसको फ्रेग्रेंस आ जाए मैगी वाली। तो बच्चे को जो मतलब हेल्दी बना दो, उसको जो खाना है उसको अगर मिल जाता है तो वो अच्छा लगता है। और जो इस चीज़ का मन हो, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं और हम लोग का भी यही काम आ जाएगा। तो साइड बाय साइड मैंने पोटैटो बॉईल करके रखे थे, आलू उबालने के बाद मैं इसके आलू के ब्रेड टोस्ट बनाऊँगी। तो फिर ठीक है, अगर वो खाएगी भी तो वो तो ब्रेड टोस्ट खा लेगी, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अभी मोक्षा की सोने तक मैं जल्दी से नाश्ता तो बना ही लूँ, बाकी सभी काम हो गया। मॉर्निंग में 5:30 तक मैं उठती हूँ और 6:30-7:30 तक सारा जो मॉर्निंग का काम होता है वो हो जाता है। तो फटाफट से एक एप्पल काट देती हूँ और मैं ग्रीन चिलीज डाल देती हूँ जो कि मेरी फेवरेट है, कि मुझे खाने में अगर हरी मिर्च नहीं हो तो मुझे बिल्कुल जायका नहीं आता, ये आदत पड़ गई है मेरी। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। मेरा सपना टूट गया, क्या हुआ ऐसा वो ज़रूर देखना। कुछ सोचा था बट क्या से क्या हो जाता है, कभी हम सोचते हैं हम अच्छा ही सोचते हैं लेकिन कभी कभी जब हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो क्या करें, कुछ नहीं। चलो चलो तो मैं फटाफट से बना देती हूँ ब्रेकफास्ट, लंच पैक करती हूँ। मोक्षा भी उठ गई है क्योंकि टुकू ने थोड़ा सा आवाज़ कर दी, रोना रोना चालू हो जाता है उसका थोड़ी थोड़ी सी बात पे। तो यहाँ मोक्षा उठ गई है तो मैंने उसको बस यहाँ पर ही अपने सामने लिटा लिया है क्योंकि वो ना मुझे देखती रहेगी तो थोड़ा शांत रहेगी। बाकी वो रो नहीं रही है लेकिन की करने लगती है कि उसको बैठना होता है। अभी वो रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने और काफ़ी क्रॉलिंग भी करती है। तो मतलब वो कोशिश करती है कि वो घुटने पे चले और मतलब खेले बैठ के, और वो हर चीज़ मुँह में डालने लगी है। तो फिर उठ गई है तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, मैंने ये टुकू के लिए थोड़ा सा रख दिया ठंडा करके कि वो खा लेगी तो खा लेगी, नहीं तो फिर वो बस मजे में रहती है, उसको खाना नहीं होता है। बस जब तक मैं थोड़ा सा, मेरा अच्छा है कि मेरा ब्रेकफास्ट तो बन चुका है और अब बस ठंडा हो गया पास्ता, मैं लंच में भी रख देती हूँ। बस ये ड्रेस पहन के तैयार है और मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम होता है, सामान वगैरह ऐसे ही होता है। मैंने जल्दी जल्दी से बिल्कुल राजाओं वाली ठाट दिखाती है टुकु। तो अब इसके बाल थोड़े गीले थे तो मैंने कहा जब तक इसके बाल ड्राई हो रहे हैं तब तक इसको ब्रेकफास्ट करा दे, थोड़ा बहुत ही करेगी क्योंकि सुबह के टाइम पर उसे अभी आदत ही हुई है। तो जैसे ही हैबिट हो जाएगी, बड़े हो जाता है बच्चा तो खुद से खा लेता है। फ़िलहाल तो मैं जल्दी से इसके बाल बांध देती हूँ और मोक्षा बस खेल रही है तो मैंने कहा जल्दी से इसके बाल बांध देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने के बाद बहुत से काम होते हैं मुझे कि मैं जल्दी से काम करूं। बस चोटी बन गई और इसने एक ट्रेजेडी की थी कुछ दिन पहले, इसने बालों को फोल्ड किया आगे से और किचन में जाके सीज़र रखी थी उससे इसने बाल काट दिए। वो तो अच्छा है कि इसने स्टार्टिंग में ही बाल काटे थे फोरहेड के पास, नहीं तो बीच में से काटे होते तो बहुत ही ख़राब हो जाता। फटाफट से शूज़ पहना देती हूँ क्योंकि अभी तो भाई जितना भी कर लो उतना ही कम है, क्योंकि अभी तो उसको कुछ खुद से कुछ करना नहीं आता है और
क्योंकि लाड में ज़्यादा रहिए हम लोग के, तो ज़्यादा मतलब इसको लगता है कि सब कुछ अभी भी खुद करना है। तो फटाफट से मैं इसे शूज़ पहना देती हूँ, देर तक मोक्षा जब तक खेले, बस यही रहता है कि मोक्षा रोए नहीं, खेलती रहे आराम से, खेलती रहे, तो वो भी खेल रही है। और बस जैसे ही वो जाएगी फिर उस मोक्षा का ही नंबर है कि उसको खिलाओ, उठाओ, गोद में लो, थोड़ा सा पैम्परिंग करो उसको, यही पैम्पर वाला टाइम है बच्चे का, तो यही सब कुछ करना है। जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर वो खुद ही करेंगे। और ये कुछ यादें हैं जो रह जाएंगी, मुझे भी अपना टाइम याद आ जाता है जब मैं अपने शूज़ पॉलिश करती थी स्कूल जाने से पहले, या सैटरडे को होता था तो सैटरडे को मतलब बहुत मेरे शूज़ पे मिट्टी ज़रा सी भी नहीं लगती थी, ऐसा मुझे हमेशा रहता था कि बिल्कुल चमकते धमकते हुए शूज़ रहने चाहिए। वो हंस रही है। बाय टुक्कू टुक्कू। तो स्किन केयर, थोड़ा सा स्किन केयर ज़रूरी होता है, थोड़ा सा टैनिंग लग रही थी तो मैंने सोचा मसाज कर ली, थोड़ा सा मसाज करवाती हूँ। और हम पहुँच गए हैं न्यू हाउस यार, बस क्या बताऊँ, मैं सोचा नहीं था वो हुआ। ये हम घर देख रहे थे अभी, मतलब ये रिनोवेशन का काम क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का ही चल रहा है पूरा, फर्नीचर वगैरह का। तो हम लोग जिस तरह का सोच रहे थे उस तरह का तो है, बट थोड़ा सा कोई इशू आ गया है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। बट देखकर मन खुश हो गया था कि चलो चलो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट कर वापस आना पड़ा। उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको आगे की वीडियोस में पता चल जाएगा, बट कोई नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। और मोक्षा घूमने जा रहे हैं, तो आज हम चारों चले गए एक साथ। कहाँ जा रहे हैं मोक्षा? मोक्षा को घूमी घूमी करा रहे हैं, है ना मोक्षा? उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।